चंद रोज पहले भारत के वरिष्ठ वकील हरीश सालवे ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने आईसीजे के आदेश का पालन नहीं किया है। सालवे के इस बयान के बाद पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने कहा, हम भारत के वकील के निराधार बयान को पूरी तरह खारिज करते हैं कि पाकिस्तान ने मामले में आईसीजे के फैसले का पालन नहीं किया है। पाकिस्तान ने पूरी तरह पालन किया है और मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो उसी तरह से पालन करता रहेगा। दरअसल कुछ दिन पहले सालवे ने कहा था कि पाकिस्तान ने इस बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, हमें FIR और चार्जशीट की कॉपी भी नहीं दी गई है, जिसके बाद पाकिस्तान का ये बयान आया है। आपको बता दें कि कुलभूषण यादव को मार्च 2016 में पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था। 2017 में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। इस बीच सुनवाई में कुलभूषण को अपना पक्ष रखने के लिए कोई काउंसलर भी नहीं दिया गया। इसके खिलाफ भारत ने साल 2017 में ही अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आईसीजे ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान को जाधव को फांसी न देने और सजा पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया, साथ ही काउंसलर देने का भी आदेश दिया। तब से अब तक पाकिस्तान इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।